कभी सोचा है वायु शुद्धि क्यों जरूरी है? आप घर बैठे भी वायु शुद्धि कर सकते हैं। अगर आप स्मोक नहीं करते तो इसका ये मतलब नहीं कि आपके फेफड़े खराब नहीं हो सकते। एक रिपोर्ट की माने तो विश्व भर में 7% जाने सिर्फ लंग डिजीज से जाती हैं। विश्व के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में 14 तो भारत से ही हैं। क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। एक रिपोर्ट की माने तो 50% बच्चों में लंग्स का विकास पूरी तरीके से नहीं हो पाता। इसकी वजह है प्रदूषित हवा में सांस लेना, जिसकी वजह से उन्हें आगे चलकर ब्रोंकाइटिस, अस्थमा जैसी अन्य बीमारियां होती हैं। हर साल 40 लाख से भी ज्यादा लोग अपनी जान लंग डिजीज से गंवा देते हैं। इसके बाद भी लोग अपने लंग्स की हेल्थ को नजरअंदाज करते हैं। फेफड़ों की बीमारियां ज्यादा स्मोक करने से, पॉल्यूटेड सिटीज में रहने से और फैक्ट्री के गंदे धुएं से हो सकती है। इसके अलावा अगर आपका लिवर किसी भी पुरानी बीमारी की वजह से खराब हो चुका है तो उसकी वजह से भी आपको ब्रोंकाइटिस, अस्थमा जैसी बीमारियां हो सकती हैं। आमतौर पे जब लंग्स खराब हो रहे होते हैं तो सांस लेने में तकलीफ होना, सीने में दर्द होना, बार बार खांसी का आना जैसी अन्य परेशानियां होती हैं। लेकिन जब ये पूरी तरीके से खराब हो चुके होते हैं तो खांसी में खून का आना, इन्फ्लुएंजा, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा जैसी बीमारियां होती हैं, खासतौर पर ठंड में जब एयर का प्योरिफिकेशन सिस्टम खुद बहुत स्लो हो जाता है। ये सारी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हमें इसलिए होती है क्योंकि हम अपने डेली रूटीन में अपने लंग्स डिटॉक्सिफिकेशन को भूल जाते हैं, जिसका रिजल्ट रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। इसका इंतजार करने से बेहतर है क्यों ना हम अपने लंग्स का डिटॉक्सिफिकेशन खुद ही करें। नमस्ते, मैं डॉक्टर मानसी, आयुर्वेदा एक्सपर्ट, आपको सजेस्ट कर रही हूँ वायु शुद्धि, क्योंकि वायु शुद्धि मदद करता है फेफड़ों को प्रदूषण से बचाने में, उसकी सूजन को कम करने में, साथ ही सेल्स की इम्यून को बढ़ाने में, ताकि भविष्य में टॉक्सिन्स और पोल्यूशन से हो रही बीमारियों से फेफड़ों को बचाया जा सके। वायु शुद्धि में मौजूद चुकंदर का रस, संतरे का रस इसके हार्मफुल टॉक्सिन्स को खत्म करता है। साथ में इसमें मौजूद अदरक का रस लंग्स की स्वेलिंग को भी कम करता है। अक्सर व्यक्तियों में बलगम वाली खांसी की काफी शिकायतें होती हैं, जिसमें बिचुआ के पत्ते, जिसे स्टिंगिंग नेटले भी कहते हैं, काफी असरदार साबित होती है, जो वायु शुद्धि में मौजूद है। ये टीबी और ब्रोंकाइटिस जैसी बीमारियों में भी काफी असरदार है। और अगर किसी व्यक्ति को अक्सर सर्दी या जुकाम जैसी बीमारियां होती हैं तो इसमें काली मिर्च काफी सहायक होता है। इसमें मौजूद अर्जुन की छाल ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाता है, साथ ही कमल प्रकंद सोर थ्रोट को ठीक करता है। और ये सारी औषधियां मिलती हैं वायु शुद्धि में। वायु शुद्धि की एक खासियत है कि ये शुगर और ग्लूटेन फ्री है, तो इसे डायबिटिक और ग्लूटेन फ्री चीजें लेने वाले व्यक्ति आराम से ले सकते हैं। इसमें कोई एडिटिव प्रिजर्वेटिव नहीं है और साथ ही ये साइंटिफिकली प्रूवन प्लांट बेस्ड कैप्सूल्स हैं। हेलो सर जी। हेलो मैम, कैसे हो आप? मैं बढ़िया हूँ मैम। और आपकी तबीयत कैसी है? तबीयत मेरी बहुत ठीक है मैम। मैं कोयले की फैक्ट्री में मैनेजर हूँ। सारा दिन धुआं बॉडी के अंदर जाते रहता है। धुआं की वजह से मुझे सांस लेने में बहुत दिक्कत होने लगी थी। और दिल्ली में तो आपको पता ही है कि पॉल्यूशन की कितनी ज्यादा प्रॉब्लम है, तो मुझे बहुत ज्यादा खांसी रहती थी धुआं की वजह से। मैं ठीक से काम भी नहीं कर पा रहा था और थोड़ा सा टहलने से ही मुझे बहुत सांसें मेरी फूलने लगती थी। फिर मेरे फैक्ट्री के ओनर ने मुझे लंग्स डिटॉक्स के बारे में बताया, जी क्योंकि वो भी उन्हीं फैक्ट्री में काम करते थे, लेकिन उनको धुएं से कुछ ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती थी। तो उन्होंने मुझे बताया कि वो 6 महीने से वायु सिद्धि का इस्तेमाल कर रहे हैं, कि जो 100% नेचुरल है और इसमें आयुर्वेदिक 7 इंग्रेडिएंट्स के साथ पैरास्टीन भी है, जो लंग्स को अंदर से क्लीन रखते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। तो इसके बाद मैंने भी अपने लिए मंगवाया और लेना शुरू कर दिया, और कुछ दिन से ही मुझे असर देखने को मिल गया और मेरी अब सांसें भी नहीं फूलती है। मैंने फिर टेस्ट करवाया अपना लंग्स का, तो जिसमें मेरी लंग्स एकदम क्लीन आया है। तो ये सच में बहुत अच्छी चीज है। तो कितने महीने से आप यूज कर रहे हैं वायु शुद्धि? लगभग 2 महीने से यूज कर रहा हूँ। अच्छा, और अभी पूरी तरह सब ठीक है? हाँ, मेरी पूरी लंग्स, मैंने रिपोर्ट मैंने देखा, उसमें लंग्स पूरी क्लीन है एकदम। कोई साइड ये इफेक्ट? सच में, ये तो 100% नेचुरल है, इसके तो कोई साइड इफेक्ट नहीं है। मैं सबको ये बोलूंगा कि ये जरूर आप वायु शुद्धि जरूर इस्तेमाल करिए। जी। हाँ, क्योंकि बाहर की पॉल्यूशन से, इससे पहले कि लंग्स आपका खराब हो जाए, पहले ही वायु शुद्धि ले ले तो आप जी खुद को बचाए बिल्कुल रखें। जी बिल्कुल, ऐसे लोगों को बिल्कुल रेकमेंड कीजिए अगर आपको फायदा हुआ है इससे तो। जी मैं जरूर रेकमेंड करूंगा। मैं अपने दोस्त को भी बताया इसके बारे में। ओके, ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। ओके ओके मैम, अब बताइए आप अपने बारे में कि आपकी हेल्थ कैसी है, वायु शुद्धि कब से आपने लेना शुरू किया है और उसका क्या क्या असर आपके हेल्थ पे अब तक पड़ रहा है? मैम, वायु शुद्धि ऑलमोस्ट काफी टाइम हो गया मुझे लेते हुए। मुझे इसको काफी अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट दिखा है, जैसे आफ्टर विंटर सीजन, जैसे ही होता है समर स्टार्ट होता है तो विंटर चेंज के टाइम काफी हेल्थ इश्यूज होते हैं, जैसे आप पिकअप हो जाना, नेक पेन, मेरे को बहुत इश्यू हो जाता है गले में जनरली, तो
तो मैंने काफी इससे मुझे काफी आराम मिला है। इनफैक्ट मैंने अपने 11 ईयर के बेटे के लिए भी उसको भी नेक से रिलेटेड उसको काफी जल्दी बच्चों को तो जनरली वैसे भी बहुत जल्दी कैच करता है खांसी जुकाम तो उसको कफ भी बहुत रहता था तो मैंने उसको भी दिया तो काफी अच्छा उनके रिस्पॉन्स आया। तो आपने जब से ये स्टार्ट किया, आपने जैसा कि बताया आपके गले में दर्द था, आपके वायु शुद्धि स्टार्ट करने के कितने टाइम बाद से आपको राहत मिलना शुरू हुआ और अभी क्या सिचुएशन है उस दर्द की? मुझे थर्ड फोर्थ डे से ही मुझे बेटर लगने लगा था। अभी ठीक है, अभी बिल्कुल ठीक है। इनफैक्ट मैं अपनी मदर इन लॉ को भी रिकमेंड कर रही थी कि आप भी ट्राई करो, उनको भी इश्यू रहता है कफ और पेन का, मतलब गले में उनको रहता है, तो मैं उनको भी सजेस्ट कर रही थी। बाकी अभी तो सब बेटर है, वो ओके और आपका बच्चा वो भी ठीक है? भी ठीक है। हाँ, वो भी बिल्कुल ठीक है। चलिए, आप लोगों को रेकमेंड करते हो जो ऐसे लोग हैं जिनको ये सारी प्रॉब्लम्स? डेफिनेटली ना, डेफिनेटली मैंने इनफैक्ट अपनी मदर इन लॉ, मौसी सास, मैंने काफी लोगों को रिकमेंड किया जिनको ये जनरली उनको मतलब चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, मतलब उनको ये प्रॉब्लम रहती है कफ की, और तो बहुत ज्यादा उनको प्रॉब्लम रहती है खांसी या कफ या सफेद। मैंने उनको रिकमेंड किया, मैंने उनको कि आप ट्राई करो एक बार, और आयुर्वेदिक है तो कोई साइड इफेक्ट का भी कोई कोई नहीं है। चलिए, अच्छी बात है, अच्छा लगा जान के। थैंक यू सो मच, और आपकी हेल्थ अच्छी रहे, आपके बच्चे की भी हेल्थ अच्छी रहे, दवाई आप लेते रहो। थैंक ओके, थैंक यू सो मच। यू।